प्रेशर है. इज दिस ए मिथ और ए डिजीज? क्या ये बीमारी है या एक वहम है? रोज हर हॉस्पिटल में बहुत से यंग पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली लेडीज आती हैं, जो ये आके कहती हैं, डॉक्टर साहब मेरा ब्लड प्रेशर लो है, मेरा ट्रीटमेंट कीजिए. और इनसे पूछें कि आपको तकलीफ क्या होती है, तो वो बताते हैं कि हमारा दिल घबराता है, हमें चक्कर आते हैं, हम जब उठते हैं तो थोड़ी सी घबराहट होती है, रात को नींद नहीं आती. और मैंने गाँव में डॉक्टर को दिखाया और उस डॉक्टर ने बताया कि आपका ब्लड प्रेशर लो है, आप ये इंजेक्शन लगवा लें और ये ग्लूकोज चढ़वा लें. तो मैं ये बताना चाहूंगा कि नॉर्मल चलते फिरते व्यक्ति को, जो कि खाना भी खा रहा है और अपना कुछ ना कुछ काम भी कर रहा है, उसका ब्लड प्रेशर लो होना कोई बीमारी नहीं है. ये 99% सिम्टम्स होते हैं एंग्जाइटी के, डिप्रेशन के, रात को नींद ना आने के, ओवरवर्क के, और इस कारण से पेशेंट को घबराहट, धड़कन होती है. और वो जब किसी पड़ोस के डॉक्टर के पास जाता है या केमिस्ट से बीपी चेक कराता है, तो ये गलत इंफॉर्मेशन उसको मिलती है और उसके मन में ये बैठ जाता है कि मुझे लो बीपी नाम की कोई बड़ी बीमारी है, जबकि उसको कोई भी बीमारी बीपी से संबंधित नहीं है. प्रॉबेबली उसको कोई एंग्जाइटी की, डिप्रेशन की या घबराहट की दवाई की जरूरत है, ना कि बीपी के लिए कोई दवाई या इंजेक्शन हो. नॉर्मल बीपी का लोअर एंड कितना होता है? देखिए, जब भी बीपी चेक करते हैं तो एक ऊपर वाला बीपी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, एक नीचे वाला ब्लड प्रेशर जिसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं. डायस्टोलिक या नीचे वाला ब्लड प्रेशर कितना भी नीचे हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट अगर ये कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा नीचे वाला ब्लड प्रेशर सिर्फ 50 था, तो हमें उसको ये समझाना है कि नीचे वाला ब्लड प्रेशर 50, 40 या 30 कुछ भी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर होना चाहिए, और यदि 90 से ऊपर है और नीचे वाला 20, 30, 40 कुछ भी है, तो लो ब्लड प्रेशर की बीमारी आपको नहीं है. बट यस, कुछ सिचुएशंस में लो ब्लड प्रेशर खतरनाक होता है. एक तो ऑब्वियसली कोई पेशेंट अगर आईसीयू में दाखिल है और उसको कोई हार्ट की या कोई और बीमारी है और उसका बीपी कम हो गया है, तो ये एक खतरनाक चीज है. सेकेंडली, किसी को उल्टी दस्त लगे हैं, किसी को एक्सीडेंट हुआ है और उसका ब्लड बहुत सारा निकल गया है, किसी बुजुर्ग ने कई दिन से घर में खाना नहीं खाया और उसका ऊपर का ब्लड प्रेशर 80-85 है, तो उसको फॉरन ट्रीटमेंट की जरूरत है. पर इन दो सिचुएशंस को छोड़कर, हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिटेड है और दूसरा कोई पेशेंट जिसको कहीं ना कहीं शरीर में कोई उल्टी दस्त हो रहे हैं या फिर कोई बीपी की दवाई एक्स्ट्रा गलती से खा रहा है, इन सिचुएशंस को छोड़कर प्लीज रिमेम्बर कि लो ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं है. आपको बीमारी प्रॉबेबली कुछ और है, दिल की घबराहट की या डर की. लो ब्लड प्रेशर के लिए कोई इंजेक्शन, टॉनिक या ग्लूकोज ना लगवाएं, किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाएं, अपना चेकअप कराएं, और आपको पता लगेगा कि वाकई लो ब्लड प्रेशर इज नॉट ए डिजीज, इट इज 99% अ मिथ.